what do I see? A pair of eyes that looks back at me. Hello and welcome to Gupke Pop with Ragini. मैं फिर आपके साथ हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं आईने के सामने क्या कर रही हूँ. तो आज मैं आपके साथ वास्तु के टॉपिक के ऊपर, आईना से जो कनेक्शन है उसके बारे में बताने वाली हूँ. तो चलिए बैठ कर मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ. दोस्तों, आईना हम सबके घर में है और वो सजने संवरने के लिए है. इसके अलावा आपने कभी सोचा कि इसके वास्तु इम्प्लीकेशंस कितने ड्रास्टिक हो सकते हैं? ये आपके फ्यूचर और प्रॉस्पेरिटी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. आपके पीस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसके बारे में. आईना को सिर्फ सजने के नज़रिए से नहीं देखेंगे बल्कि वास्तु के नज़रिए से ये किस तरह के इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. चलिए जानते हैं कि पर्पस ऑफ मिरर इन वास्तु. मिरर रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को और ये जिस चीज़ को भी फेस करता है उस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देता है, डबलिंग इफेक्ट देता है. यानी कि अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी या कुछ इसमें उस तरह की हेल्थ, अच्छी हेल्थ, अच्छी एनर्जी अगर होगी तो उस चीज़ को भी वो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देगा. मिरर को हम जिस दीवार में भी प्लेस करते हैं और उस दीवार में जो भी एनर्जी होती है उसी चीज़ को वो मल्टीप्लाई करता है. यानी कि अगर आप एक मिरर को पॉजिटिव दीवार में अगर मतलब प्लेस करते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होती है. अगर आप नेगेटिव दीवार पे प्लेस करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी. इसलिए हम इसे करेक्ट दीवार पे प्लेस करके घर का, दुकान का, शॉप का, मतलब घर, दुकान, वर्क प्लेस, उन सब का वास्तु को हम इम्प्रूव करेक्ट कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन जो कि कैश का हुआ, फूड का हुआ, एक सुंदर सा इन्वायरमेंट यानी कि जैसे गार्डन हो, जैसे कि एक सुंदर सा फ्लावर हो या फिर प्लांट का ग्रोथ, ये सबको हम पॉजिटिव एनर्जी में कहते हैं. मिरर्स पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करते हैं और इवन एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यानी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मिरर की प्लेसमेंट घर के वातावरण को बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करती है. मिरर्स की प्लेसमेंट पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकती है और नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है. तो चलिए हम बात करते हैं वो डायरेक्शंस जिसमें मिरर्स पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं और वो डायरेक्शंस जिसमें नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि क्वारल, अनरेस्ट, डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस. मिरर्स जो होते हैं वो पानी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसका जो प्लेसमेंट है वो बेस्ट होता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन में. ये है पॉजिटिव एनर्जी जोन, जहाँ पर मिरर को प्लेस करने से जो भी वहाँ की एनर्जीज है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. आप ऐसे भी जानते होंगे कि नॉर्थ में कुबेर जी का घर कहा जाता है, यानी कि उनकी एनर्जी बसती है. तो अगर नॉर्थ के में अगर मिरर्स को प्लेस करते हैं तो वो कुबेर यानी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को बढ़ाता है, डबल करता है या फिर उसको मल्टीप्लाई करता है. लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी जोन है वो है आपका साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट. इस में नेगेटिव एनर्जी होता है. अगर आप यहाँ पर मिरर को प्लेस करेंगे, एक तो ये वाटर वाली जगह नहीं होती है तो ये बिल्कुल भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता है. तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो भी एनर्जी साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट से, जैसे नेगेटिव एनर्जी जब निकलती है तो वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में अगर आपकी मिरर प्लेस्ड है तो उसमें जाकर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और घर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी प्ले इन करती रहती है. बात करते हैं हम अब मिरर्स प्लेस्ड इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में लॉर्ड कुबेर का वास होता है और कुबेर जी हमें देते हैं लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक. तो ये जो है उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होता है. इस डायरेक्शन में जब मिरर्स प्लेस्ड होते हैं तो हमारी थिंकिंग एंड रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, हमारे लिए नए रास्ते खुलते हैं, नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं. हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम अपने मिरर में कुछ रिफ्लेक्ट होने देते हैं, यानी कि जो मिरर देखता है वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ होनी, यानी पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ होनी दी चाहिए. जैसे कि ब्यूटीफुल गार्डन या फिर एक ग्रोइंग प्लांट, यानी कि ग्रोइंग प्लांट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी है जो कि बढ़ रहा है. देखिए कि कहीं आपका मिरर गलत चीज़ों को ना रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि वो गलत एनर्जी को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो गलत एनर्जी ही रिफ्लेक्ट और मल्टीप्लाई होती जाएगी. कहीं आपका मिरर गार्बेज या डिस्टेस्टफुल इमेजेस को कैरी ना करे, अच्छी अच्छी इमेजेस को वो रिफ्लेक्ट करे. Thank you.
अब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शंस की। ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को, और वुड एलिमेंट में जब हम मिरर को प्लेस करते हैं यानी कि वाटर एलिमेंट को प्लेस करते हैं तो वो दोनों हार्मनी में होते हैं। बिकॉज आप देखेंगे कि प्लांट को हम पानी देते हैं तो प्लांट में क्या होता है, वो ग्रो करता है। तो पानी और प्लांट मिलकर के कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं बिल करें, ये एक पॉजिटिव एनर्जी को बिल करें, यानी कि ग्रोथ हो रहा है। तो आप अगर आप ईस्ट में अपने मिरर को प्लेस करते हैं तो वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी देगा, वो आपको सोशली ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देगा, आपके सोशल रिलेशंस को अच्छा बनाएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा जिससे आप सोशली ग्रो कर सकते हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। बात करते हैं हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है फायर को, और आप फायर में जब मिरर एलिमेंट यानी कि जो वाटर एलिमेंट है उसको लाते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्मनी क्रिएट नहीं करता, ये एक स्प्लटर क्रिएट करता है। जैसे आप गर्म तवे पे अगर थोड़ा पानी के बूंदे डाल दें तो क्या होगा, वो एकदम छन से होगा, उसी तरह का रिएक्शन ये होता है। तो आपको बिल्कुल भी फायर एलिमेंट में पानी का वाटर एलिमेंट को बिल्कुल नहीं लाना है। जैसे आप किचन में हैं और किचन का जो फायर है तो वहाँ पर भी आपको किचन में फायर मतलब मिरर बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक बैड हेल्थ क्रिएट करने का चांसेस बढ़ा देता है और एक तरह का रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। इस डायरेक्शन में अगर आप मिरर को प्लेस करते हैं तो आपके घर में अनरेस्ट हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, टोटल काइंड ऑफ अनरेस्ट डिसबैलेंस काइंड ऑफ क्रिएट हो सकता है। साउथ या साउथ ईस्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा किचन है, मैंने किचन के अंदर मिरर नहीं रखा है, मैंने किचन के बाहर मिरर रखा है, एज अ शोपीस डेकोर भी काम कर रहा है। और ये जो मेरा किचन है ये इस साइड नॉर्थ है और मेरे इसके ठीक ऑपोजिट में साउथ है। तो कहते हैं कि जो भी साउथ की बैड एनर्जीज होती है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर मिरर प्लेसमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं हम लोग वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो है डायरेक्शन दैट रिप्रेजेंट्स मेटल यानी कि धातु, धातु वाला डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन हमारी फैमिली बच्चों की हैप्पीनेस के लिए भी जाना जाता है। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, और ये डायरेक्शन जो है आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी की स्टेबिलिटी हुई या आपकी जिस तरह की भी स्टेबिलिटी मैटर्स जो है वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को करता है, और वहाँ पर राहु का प्ले या रोल ज़्यादा होता है। इसीलिए आप साउथ वेस्ट या वेस्ट में मिरर्स को लगाना अवॉइड करिए, नहीं तो ये आपको इंस्टेबिलिटी और रेस्टलेसनेस देगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की स्टेबिलिटी से कनेक्टेड होती है, इसलिए हमें इस एरिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि हर समय हमारे घर में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता कि हम मिरर्स को हमेशा करेक्ट प्लेस पे ही पोजिशन करें। कभी कभी अगर मजबूरी में आपको साउथ वेस्ट में मिरर प्लेस करनी पड़ जाए, कोशिश कीजिए आप अवॉइड करने की, लेकिन अगर आपको साउथ वेस्ट में मिरर प्लेस करनी पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी जो फ्रेम है उसको ब्राउन करें या फिर वुडन फ्रेम करें जो कि वुड कलर की होनी चाहिए, और जब आप उसको यूज़ ना करें तो उस टाइम उसे कपड़े से ढक कर रखें, जैसे कि ब्राउन कपड़े या ब्राउन पर्दे से आप उसको ढक कर रखें। दूसरा ये है कि उस जगह में आप कभी भी साउथ वेस्ट में आप कभी भी मेटालिक फ्रेम मिरर्स के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं कि अगर आपको वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में मजबूरी में आपको आईना रखना पड़ रहा है तो क्या करें। तो जब वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप मिरर रखते हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे वुडन फ्रेम का यूज़ बिल्कुल ना करें, वहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम का यूज़ करना है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील, इस तरह की फ्रेम्स की इस्तेमाल करें। अब तक हम बात कर रहे थे कि किस डायरेक्शंस में हम लोग क्या क्या कैसे रख सकते हैं, किस जगह मिरर्स के कैसे फ़ायदे या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूम्स की, जैसे कि आपकी बेडरूम हुई, स्टडी रूम हुई, एंट्रेंस हुई, तो वहाँ पे मिरर प्लेसमेंट की कैसे कैसे क्या करें। बात करते हैं एंट्रेंस की। जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो जब हम मिरर को प्लेस करते हैं तो कभी भी अपने मिरर को एंट्रेंस, अगर ये एंट्रेंस है आपका मेन डोर है और ये आपका मिरर है, तो कभी भी ये दोनों ऐसे सीधे लाइन या पैरेलल लाइन में नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब ये मिरर, जब यहाँ ये जो मेन एंट्रेंस होता है इससे सारी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज यहीं से आती है, वो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस बाहर की तरफ चला जाता है। तो आपको ध्यान देना कि कभी भी मेन एंट्रेंस और आपका मिरर
ऐसे ना हो। आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये आपकी मेन एंट्रेंस है तो आप अपने मिरर को इधर लगाएं ताकि आपकी जो एनर्जीज है वहाँ से वो अंदर की ओर घुस सके और एब्जॉर्ब हो। लेकिन अगर इधर रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐसे रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये है मेरा मेन एंट्रेंस और ये है मेरा ऑपोजिट वॉल। इस ऑपोजिट वॉल पे कभी भी मिरर प्लेस्ड नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिट है, आप समझ गए होंगे। तो हमने मिरर को कैसे लिया, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर मेन एंट्रेंस है तो मैंने अपने मिरर को यहाँ प्लेस किया है। और जब हम यहाँ पे मिरर प्लेस करते हैं ना तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में मिरर प्लेस करें तो वो रेक्टेंगुलर शेप का हो, वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए और ट्रायंगुलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर मिरर्स बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ये वास्तु में पॉजिटिव नहीं माने जाते। आपको ये भी ध्यान देना है जब आप मिरर को प्लेस करें वो नीचे के लेवल से थोड़ा उठाओ, वो बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल यानी कि फ्लोर लेवल से टच करता हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा जो ये मिरर है वो फ्लोर लेवल से ऊपर है, कम से कम मेरे ख्याल से 2 फीट ऊपर रख सकते हैं। अगर आपकी मिरर छोटी है तो आप 3 से 4 फीट ऊपर रखें। तो आपने देखा, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, कभी भी मिरर को फेस टू फेस नहीं रखना चाहिए। फेस टू फेस रहने से मिरर जो है अपने रोल को प्ले नहीं कर पाएगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगी, वो उसको, तो वो जो वास्तु का जो रीजन है वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंट्रेंस के बाद बात करते हैं डाइनिंग एरिया या फिर आपके लिविंग एरिया में, अगर आपके पास ऐसा स्पेस है जहाँ पे ईस्ट या नॉर्थ का रीजन है, आप मिरर्स को डेकोरेटिव पीस के हिसाब से भी लगा सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैंसी जितने भी मिरर्स आते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल डाइनिंग एरिया में मिरर्स का फैशन बहुत चला हुआ है, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइंस हैं जिसमें आप डाइनिंग में जब आप मिरर प्लेस करते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। वो क्या करता है कि आपका एक तो जो प्लैटर है यानी कि फूड प्लैटर, उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट देता है क्योंकि आप वो दिखा रहे हो तो वो एक अच्छी सी एनर्जी है, उसको आप मल्टीप्लाई इफेक्ट दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में मिरर ना प्लेस करें। अगर आपके डाइनिंग एरिया में आप साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में मिरर प्लेस करते हैं तो फिर वो आपके घर को फिर डिसबैलेंस करेगा, बिल्कुल ना। अगर आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का वॉल मिल रहा है डाइनिंग एरिया के बगल में तो आप बिल्कुल बहुत शौक से बहुत सुंदर सा इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि आप मिरर फिनिश कर सकते हैं। पर ध्यान आपको इतना रखना है कि आप ट्रायंगुलर मिरर्स का यूज़ ना करें, आप स्क्वायर मिरर्स का यूज़ ना करें, ये सब वास्तु में सही नहीं माने जाते। और आप ना ब्रोकन पीसेस ऑफ मिरर्स भी आजकल आर्ट आने लग गए हैं उसका भी यूज़ ना करें, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ अजीब से शेप होते हैं उस तरह के मिरर्स को भी आप यूज़ ना करें। चलिए अब बात करते हैं बेडरूम की। आजकल बेडरूम में बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइंस के फैशन्स हो गए हैं कि आप बेडरूम में ऊपर से मिरर फिनिश लाइट्स लगा देते हैं या फिर मिरर के बेड के पीछे वाले जो हेडबोर्ड है वो आपकी मिरर वाली होती है। ये सब करेक्ट नहीं है क्योंकि मिरर जब आप सोते हैं ना तो आपका मिरर आपका बॉडी को रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपके सोते हुए पोजीशन को मिरर बिल्कुल रिफ्लेक्ट ना करे तो वो अच्छा है। तो इसीलिए जैसे कि आप जब सोते हैं तो क्या होता है, आपकी आपकी बॉडी इनएक्टिव पोजीशन में होती है और आप उस एक्टिविटी को थोड़ी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। बिसाइड्स जब हम सोने जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी रिवाइव हो, हमारी बॉडी रीजनरेट हो, हमारी बॉडी हेल्दी माइंड से पूरी तरह से फिर दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाए। और उस वक्त हम जब सोते हैं तो बहुत तरह के ख्याल हमारे माइंड में आते हैं, हम कुछ पॉजिटिव भी सोचते हैं, कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, मान लीजिए कि सारे दिन की थकान के बाद हम नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो चीज़ आपकी मल्टीप्लाई हो और आपके प्रॉब्लम या रेस्टलेसनेस का कारण बने। बिसाइड्स हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ की तो झगड़े की तो बात कहने क्या, जब आप अपने रूम में जाएंगे तभी तो आप आपस में डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है कि हमारे हस्बैंड वाइफ के भी बीच में मतभेद होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, एक ओपिनियन तो दूसरे की दूसरी ओपिनियन, तो इस चीज़ को भी हम मल्टीप्लाई इफेक्ट करना चाहेंगे क्या, हमारी हेल्दी रिलेशंस ख़राब होंगे। तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी अपने ड्रेसिंग टेबल की प्लेसमेंट ऐसी रखनी है कि मिरर जो है बिल्कुल भी आपके बेड को ना दिखाए, यानी कि आप जब सोते हैं तो मिरर आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट। इसीलिए जब मैंने डिज़ाइन किया तो मैंने अलमारी में भी जो होता है ना जो वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है, तो हम मैंने उसको मिरर फिनिश वाली अलमारी नहीं की क्योंकि फिर वो बेड को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सब गलतियों को हमें हटाना है ताकि हम एकदम स्ट्रेसलेस और स्टेबिलिटी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से निवास मतलब बिता सकें।
बेडरूम जो होता है वो यूजुअली वास्तु के हिसाब से देखें तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और साउथ वेस्ट रीजन होती है अर्थ की, अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी की स्टेबिलिटी, गुड लक की स्टेबिलिटी, आपके हेल्थ माइंड की स्टेबिलिटी, हर तरह की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें जब हम मिरर यानी कि वाटर एलिमेंट को लाते हैं, वाटर एलिमेंट जो है वो इंस्टेबिलिटी होता है, उसमें इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे मूवमेंट्स होते हैं। तो हम स्टेबिलिटी में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि कोई चीज़ जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे हमें पैसा स्टेबल होना चाहिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी स्टेबल होना चाहिए, हमारी नेम फेम वो सब स्टेबल होना चाहिए, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी घुस जाएगी तो प्रॉब्लम होगी ना। तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करें। बेडरूम के बाद अब बात करते हैं बच्चों की या फिर स्टडी टेबल्स की, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम अपने कुछ विचारों को सोचते हैं। जहाँ तक जब भी स्टडी टेबल की बात आती है तो स्टडी टेबल यानी कि बहुत सारी किताबें, बच्चों की बहुत सारी किताबें, और हर वक्त किताबें ना अरेंज नहीं रहती, वो हमेशा इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो जब आप कोई मिरर अगर आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगाते हैं तो क्या होता है, वो एक क्याओस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सब कुछ अपनी जगह से अलग जगह पे रखा हुआ है, किताब ऐसे बिखरी, कभी भी आप ऐसा रख सकते हैं कि हमेशा किताब ऐसे ही सुंदर से स्टेबली बहुत सुंदर से अरेंज हो रहा पढ़ाई करें, या फिर बच्चे इतने स्टेबल वे में पढ़ाई करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आप अगर मिरर ना रखें तो वही बेस्ट होता है। तो स्टडी टेबल पे या फिर बच्चों की टेबल पे या फिर आपके स्टडी डेस्क पे कभी भी मिरर ना लगाएं, क्योंकि एक तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है, और दूसरा आपका जो वो रिफ्लेक्शन हो वो आपको पॉजिटिविटी नहीं देता, इंस्टेड वो आपको स्ट्रेस देने लगे। किड्स रूम डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं मंदिर की। मंदिर वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, स्पेशली मंदिर की प्लेसमेंट होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वहीं से बहुत सारी एनर्जीज आती है। तो वो जगह में जब आप मंदिर प्लेस करते हो तो कभी कभी डिज़ाइनर डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप भगवान के पीछे ही आप मिरर डिज़ाइन प्लेस कर देते हैं, वो करेक्ट नहीं है। मिरर क्या है, एक ऑब्स्टेकल भी बन सकती है, क्योंकि भगवान तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आती है, और वहाँ पे क्या है ना, एक मंदिर में ना पूरी एनर्जी की रोल प्ले जो होती है वो पूरी तरह से फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमें कंप्लीट होने देना चाहिए। तो अगर हम मिरर्स को पीछे या सामने की तरफ, मतलब भगवान के पीछे या सामने की तरफ भी अगर हम लगाते हैं तो इस प्रक्रिया में हम बाधा क्रिएट करते हैं, वो करना हमें बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर से जितनी भी अच्छी एनर्जीज आती है, हम चाहेंगे कि वो एनर्जी टोटली आपके पूरे घर में आपके आपके ऊपर फैले, तो उस एनर्जी को हमें पूरा प्ले करने देना है। तो वहाँ पे हमें इस तरह के मिरर्स प्लेसमेंट नहीं करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है जितनी जानकारी मैं आपको दे सकूं इस मिरर प्लेसमेंट और इससे जो होने वाले फ़ायदे हैं या फिर इससे होने वाली हानि के बारे में आपको जानकारी दी थी, और इसके बारे में मैंने तो छोटे से समरी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, ये सब चीज़ को किस चीज़ को आप अवॉइड करें, किस चीज़ को आप करें। वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है, सो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और मैं आती रहूँगी ऐसे और सारे वीडियोस लेकर के आपके लिए। तब तक आप मेरे साथ बने रहें कि वॉक विद रागिनी पर। थैंक यू सो मच, रागिनी साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय।